नपुंसकत्व का भय, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारे लड़के लोग आते हैं और वो कंसल्ट करते हैं इसलिए कि भाई उनको ऐसा लगता है कि उनको नपुंसकत्व है या इम्पोर्टेंसी है या उनको लैंगिक कमजोरी है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। उनको पूछा भी आपको कैसा मालूम आपने संभोग किया है, क्या बोलते नहीं मैंने किया नहीं अभी तक। फिर कैसा मालूम, नहीं मुझे ऐसा लगता है, नहीं हस्तमैथुन कभी किया है क्या, नहीं हस्तमैथुन भी नहीं किया। फिर कैसा मालूम कि भाई नपुंसकत्व है, नहीं मुझे ऐसा लगता है। फिर ये आया कहाँ से कोई लगता है करके, नहीं पहले मेरी मेरे लिंग में कठोरता आती थी। पहले मतलब कब, तो पहले 2-3 साल पहले, अभी लिंग में कठोरता नहीं आ रही है। तो जो उसको मॉर्निंग इरेक्शन जो होता था वो भी नहीं हो रहा है, या सपने में इरेक्शन होता वो नहीं हो रहा है, मास्टरबेशन किया ही नहीं है, सेक्स कभी किया ही नहीं है, उसको डर लगता है कि अभी मैं पुरुष नहीं हूं या मेरा नपुंसकत्व मुझे हुआ है। मतलब ठीक है, अभी शादी करने की नहीं, अभी शादी करने की नहीं, शादी कब करने की नहीं, अभी 3-4 साल तो नहीं करने की, फिर अब करना क्या है। उसको पूछा तो फिर बोलता है कि बस मुझे अच्छा होना है। अगर अच्छा होना है तो फिर आपको हस्तमैथुन भी नहीं करने का है, आपको सेक्स भी नहीं करने का है, तो अच्छा होना तो फिर कैसा, क्या मतलब होना चाहते क्या। नहीं मुझे ऑटोमेटिकली बीच बीच में, बीच बीच में पहले आता था वैसा इरेक्शन आना चाहिए, ऐसा उसका ख्याल रहता है। मैं बोला कि भाई उनको बोला मैंने कि भाई आप हस्तमैथुन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है वो, तो आपको हस्तमैथुन करना है तो ठीक है इलाज कर लो कि भाई इरेक्शन नहीं हो रहा है तो। नहीं नहीं वो भी नहीं करना है मुझे, क्योंकि वो गलत है, हस्तमैथुन करना ठीक नहीं, उससे कमजोरी आती है, ऐसा उसका कहना था। मतलब ठीक है, फिर अभी मैंने आपको समझो दवा भी दिया, आपका काउंसलिंग भी किया, तभी आपको तो सेक्स करना ही नहीं है, नहीं मगर मुझे ठीक होना है। तो ये लोगों को समझाने में हमको बहुत तकलीफ हो जाती है कि एक्चुअली ठीक होना मतलब कैसा है। देखो उसको चाहिए मॉर्निंग इरेक्शन, या उसको चाहिए कभी लड़की को देखा तो इरेक्शन आना चाहिए, पहले आता था अभी नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मगर आप कभी हस्तमैथुन करके यदि आप सीमेन निकालते हो और वो टेस्ट करते हो तो मालूम पड़ेगा कि भाई अभी ठीक ठाक सब चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं नहीं मुझे निकालना नहीं है वैसा बाहर। ऐसे फिक्स्ड आइडियाज लेके लोग हमारे पास में आते हैं और फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर ऐसे इसमें हम उनको चेक करते हैं, उनका सीमेन टेस्ट करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि भाई ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब शुरू शुरू में क्या होता है कि 13-14 साल की उम्र में, तो 13-14 साल से लेके समझो 20 साल तक बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है। वो ऐसा है कि काफ़ी सारे हॉर्मोन्स तैयार होते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स से बाकी सारे हॉर्मोन्स बॉडी में तैयार होते जाते हैं, और फिर वो चुप नहीं बैठते देते, काफ़ी सारे विचार सेक्स के आते रहे, ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है सेक्स के तरफ, सेक्स के सपने आते हैं और उसमें फिर इरेक्शन होता है, सुबह उठने के बाद भी वैसा होता है, कोई लड़की को देखे तो ऐसा होता है इरेक्शन। तो ऐसा वो 13 और 20 के इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वो अभी नहीं रहा तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा काउंसलिंग उसको करते हैं, काउंसलिंग करने के बाद में उसको थोड़ा अच्छा लगता है तो फिर चले जाते हैं, और नहीं तो फिर हम उनको टाडालाफिल देते हैं। तो टाडालाफिल तुम बीच बीच में लो, तो टाडालाफिल लिया तो बीच बीच में क्या होता है कि उसका इरेक्शन बीच बीच में आते रहता है और थोड़ा उसको अच्छा भी लगता है, क्योंकि टाडालाफिल रोज लेने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार भी लिया आपने तभी वो दवाई से काम चल सकता है। तो फिर उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि ठीक है चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बीच बीच में स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस आते रहते हैं, और समझो टाडालाफिल से उसको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो मेयर प्लेसेबो देते हैं। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हमारे पास में हैं, होम्योपैथिक दवाई हमारे पास में है कि जिससे थोड़ा सा सेक्सुअल बूस्ट हो जाता है, सेक्स बूस्ट हो जाता है, अच्छा भी लगता है उसको, वेलबींग का एक फीलिंग आता है, तो वो भी देते हैं और उससे फिर उसको नॉर्मल लगने लगता है। तो सभी नवयुवकों ने, जवान लोगों ने ये ख्याल में रखना है कि आप जब सेक्स करने वाले ही नहीं हो, अभी 2-4 साल के बाद में शादी करना है, ना आपको गर्लफ्रेंड के साथ में कोई संबंध रखने के, ना आपको हस्तमैथुन करना है, तो इसमें सेक्स में दिमाग डालने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने एक बार बोल दिया तो वो आग्रह मत करो कि भाई नहीं हमको स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आना चाहिए, उसमें कुछ पड़ा नहीं है। तो ये वीडियो सभी जवान जो लोग हैं ना, सभी जवान लोग युवक, उनको शेयर करो ताकि उनके दिमाग के गलतफहमी निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।